नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे नवंबर में आने वाले फ़ोन के बारे में। हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल के नवंबर में फ़ोन आने वाले हैं। चाहे बात करेंगे हम रियलमी की, या बात करें शाओमी की, या बात करें वीवो की, ओप्पो की, लेनोवो की, नोकिया की, सैमसंग की, सभी की फ़ोन नवंबर में आने वाली है और काफ़ी कमाल कमाल के फ़ोन आने वाले हैं। हो सकता है कहीं आप जो फ़ोन का वेट कर रहे हैं वो नवंबर में ही आए। तो चलिए आज का पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत आप लोग के लिए पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले फ़ोन की। तो पहला फ़ोन आपका निकल कर रहा है लेनोवो का Z5 Pro। ये काफ़ी कमाल का फ़ोन होने वाला है आपका। इसमें आपका डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका एक फुल व्यू डिस्प्ले रहेगा दोस्तों, एकदम पूरा फुल डिस्प्ले आपको मिलेगा, जिसका रेशियो 2.0 रेशियो रहने वाला है। प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845। कैमरा आपको मिलेंगे बैक साइड में डबल, एक 16 मेगापिक्सल, दूसरा 20 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको ही मिलेगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी आपकी 4000mAh की रहने वाली है। तो लेनोवो Z5 Pro का लुक आपका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला फ़ोन जो कि 4 नवंबर को आने की उम्मीद है, वो है सैमसंग का A9 2018 मॉडल। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल का फ़ोन है। ये 4 कैमरा वाला पहला आपको फ़ोन मिलेगा, जो कि सैमसंग ने बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च कर दिया था, ताकि कोई दूसरा फोन 4 कैमरा वाला पहला फोन ना कहलाए। इसलिए बैक में 4 कैमरा वाला फोन आपका सैमसंग का फोन है और काफी कमाल का है। ये भी 4 को उम्मीद है कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका आपको डिस्प्ले जो मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगा। प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660। कैमरा आपका जो मिलेगा इसमें, पहला कैमरा आपको 24 मेगापिक्सल, दूसरा 8, तीसरा 10 और चौथा 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल के कैमरा मिल जाएंगे। बैटरी आपकी 38 mAh की रहने वाली है और प्राइस इसकी जो रहेगी वो 35 से 40 के बीच में रह सकती है। अब अगला जो फ़ोन निकल के आ रहा है वो आपका Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर, जो सबसे टॉप मोबाइल था 2018 का Redmi का, वो आपका Redmi Note 6 Pro अब आने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल के इसमें आपको फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इसका डिस्प्ले जो रहने वाला है आपका रहेगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगा। बैक में आपको 12+5 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएंगे। फ्रंट में यहाँ पे दोस्तों 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा, डबल कैमरा यहाँ पे फ्रंट में दिया है इस बार Xiaomi ने। 4000mAh की बैटरी मिलेगी। जो प्रोसेसर इसमें वही पुराना वाला प्रोसेसर दे दिया आपका, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636। और इसमें बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो उम्मीद है इसकी प्राइस लगभग 15000 के करीब में हो सकती है। इससे ज़्यादा ये प्राइस कंपनी रखेगी तो हमको नहीं लग रहा है कि 15 से ज़्यादा लोग इसे चॉइस करेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि अगर 15000 में फ़ोन इंडिया में आएगा तो क्या आप इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टिंग है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला फ़ोन निकल कर है Huawei का Mate 20 Pro। ये दुनिया का पहला 5G फ़ोन होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही कमाल का ये फ़ोन होने वाला है। इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 6.4 इंच की डिस्प्ले रहेगी। प्रोसेसर आपका क्रीन का 980, काफ़ी दमदार प्रोसेसर होगा इसमें। कैमरा आपको इसमें बैक साइड में 3 देखने को मिल जाएंगे, एक 40, दूसरा 20 और तीसरा 8। फ्रंट में आपको मिलेंगे 24 मेगापिक्सल कैमरा। बैटरी इसकी 42 mAh की रहने वाली और दोस्तों इसका जो प्राइस रहने वाला है वो लगभग 70000 से ऊपर रहने वाला है दोस्तों। और ये फ़ोन इंडिया में उम्मीद है कि 10 या 20 नवंबर के बीच में आ सकता है। अब जो अगला फ़ोन है जो आपका है Mi 8 Lite, ये काफ़ी कमाल का ये भी फ़ोन होने वाला है, जो कि ये भी इंडिया में आने की उम्मीद है 15 से 25 के बीच में, यानी 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। इसका प्रोसेसर आपको रहेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660। कैमरा इसमें भी 12+5 के बैक साइड में मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगी। इसमें जो बैटरी रहेगी वो 35 mAh की रहेगी। ये भी काफ़ी कमाल का दोस्तों फ़ोन है, बहुत ही इसे लोग इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, इस फ़ोन का आने का इंडिया में वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आने के बाद इस फ़ोन का। अगला फ़ोन निकल कर आ रहा है नोकिया का 7.1 प्लस, काफ़ी दमदार फ़ोन है, बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो डिस्प्ले रहने वाली है आपकी 6.16 फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगी। इसमें प्रोसेसर मिलेगा आपका स्नैपड्रैगन 710, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिलने वाला है। बैक में आपके एक 12 मेगापिक्सल कैमरा, दूसरा 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बैटरी आपकी 35 mAh की रहने वाली है। हो सकता है कि नोकिया 7.1 प्लस के जगह नोकिया 8.1 प्लस भी आ सकता है और इसका प्राइस उम्मीद रहे कि रहेगा आपका 20 से 30 हज़ार के बीच में। अब दोस्तों अगला जो फ़ोन निकल कर है, सबसे ज़्यादा इस फ़ोन का इंतजार हो रहा है भारत में, बहुत से लोग इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओप्पो K1। हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का फ़ोन है आपका, 17 से 20 हज़ार के बीच में उम्मीद है इंडिया में लॉन्च होगा, यानी 17 से 20 हज़ार के रेट में। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा,
तो काफ़ी कमाल का और सस्ता फ़ोन होने वाला है। जो डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 660 मिलेगा, बैक में आपका 16 मेगापिक्सल एक दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और बैटरी आपको मिलेगी 35 mAh की। दोस्तों इसका हम वीडियो बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लीजिएगा। मैं वीवो के साथ में इसका कंपेयर किया हूँ और ये काफ़ी कमाल का फ़ोन दोस्तों हो सकता है। और आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या आपका ओप्पो K1 के नाम से आएगा या ओप्पो R15X के नाम से आएगा, क्योंकि चर्चा है कि ओप्पो R15X के नाम से भी ये फ़ोन आ सकता है। वैसे फ़ोन काफ़ी कमाल का है, अगर आप ये फ़ोन का वेट कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फ़ोन का वेट आप कर रहे हैं। और उम्मीद है ये फ़ोन दोस्तों, उम्मीद तो था कि दिवाली के लगभग में ये फ़ोन आएगा इंडिया में, लेकिन अब उम्मीद बिल्कुल नहीं है, उम्मीद है कि ये नवंबर लास्ट तक ये फ़ोन आ सकता है। तो चलिए अगला फ़ोन है आपका रियलमी का। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि रियलमी का फ़ोन कौन सा है, हो सकता है कि रियलमी अब दूसरा सीरीज को लाए, क्योंकि माधव सेठ का इंटरव्यू मैं देखा हूँ, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि दूसरा सीरीज पे हमको ध्यान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि P70 जो मीडियाटेक का नया प्रोसेसर आया है वो आपका रियलमी लाने वाला है। और दोस्तों उन्होंने कहा, साफ कहा है कि दिसंबर से पहले रियलमी का फ़ोन आएगा, यानी ये फ़ोन नवंबर में ही आएगा, रियलमी 3 हो या दूसरा सीरीज हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि रियलमी 3 आए या दूसरा सीरीज आए। अब बात करते हैं अगला फ़ोन की, तो यहाँ पे अगला फ़ोन जो आने वाला है Mi Mix 3, ये भी फ़ोन आने वाला है, जो इसमें आपका डिस्प्ले मिलेगा 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर रहेगा यहाँ, लेकिन ये फ़ोन 5G नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक ये OnePlus 6T को टक्कर देगा दोस्तों। हो सकता है कि वीवो भी अपना एक सीरीज लेकर इसी मंथ में आए, तो देखा जाए कौन सा सीरीज ला रहा है, वाई सीरीज ला रहा है या वी सीरीज ला रहा है। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया हूँ, जरूर कमेंट कर बताइएगा। और आप लोग का कौन सा फ़ोन का वेट कर रहे हैं, इनमें से आपका कोई फ़ोन है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।